नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। हाजिर हूँ आज एक छोटी सी ज्ञानवर्धक और बहुत ही मार्मिक कहानी के साथ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। एक गरीब बुजुर्ग होते हैं और ठंड की ठिठुरती हुई रात होती है। वो बुजुर्ग ठंड से कांप रहे होते हैं। पास ही से एक धनी व्यक्ति की गाड़ी गुजरती है। वो व्यक्ति उतरते हैं और उन बुजुर्ग को कहते हैं कि चलिए, पास ही में मेरा घर है, आपको मैं एक गर्म कोट दूंगा जो इस ठंड से आपकी रक्षा करेगा। वो बुजुर्ग उनके साथ जाते हैं। वो धनी व्यक्ति उस गाड़ी से उतरता है और अपने घर के अंदर चला जाता है और वो भूल जाता है अपने किए गए वादे को। वो जो व्यक्ति होते हैं बुजुर्ग, रात भर खड़े रहते हैं उनके गेट के आगे कि अब आएगा वो गर्म कोट मुझे दे देगा। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। वो बुज़ुर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ठंड से जंग हार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। सुबह जब वो धनी व्यक्ति ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि गेट के आगे उन बुज़ुर्ग की लाश पड़ी होती है और उनके पास ही छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा भी पड़ा होता है। वो झुक के टुकड़ा उठाते हैं कागज़ का और उसको पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा होता है कि आज तक मैं इस ठंड से कभी हारा नहीं, इस ठंड से हमेशा मैं जंग जीतता रहा, लेकिन कल तुम्हारे किए गए वादे ने कि तुम मुझे एक गर्म कोट दोगे, उस भरोसे ने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली। मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारा वो भरोसा ले गया और मैं ठंड से ये जंग हार रहा हूँ। आगे अगर तुम किसी से कोई वादा करो, किसी को कोई भरोसा दो, तो उसे ज़रूर पूरा करना। वो व्यक्ति चिट्ठी पढ़ करके बहुत उदास हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। उन्हें अपने किए पर बहुत मलाल होता है, बहुत पछतावा होता है। तो दोस्तों, एक ही छोटी सी कहानी थी, उसके माध्यम से हमने यही सीखा कि अगर हम किसी को किसी बात का भरोसा दिलाते हैं तो वो उनकी सारी सहनशीलता, उस परिस्थिति से सामना करने की जो उनकी शक्ति होती है, वो सारी शक्तियाँ, वो हमारा भरोसा अपने साथ ले जाता है। तो अगर हम किसी से कोई वादा करें या किसी को किसी बात का भरोसा दिलाएं, तो उसे हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। हाजिर होंगी शुक्रवार को इसी तरह नई और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अपनों और अपनों का इसी तरह ख्याल रखते रहें। स्टे ब्लेस्ड।